इकरा आपको अपनी रिपोर्ट की समझ आ गई थी जो मैंने जी इस्लामिक को मैम जो दोबारा से सेंड की थी उसकी आ गई थी? जी मैम आ गई थी। अच्छा बच्चों वहाँ पे जो मैंने आगे 14 और ये सब नंबर लिखे हैं ना, तो वो 14 उन नंबर का मतलब है कि वो हेडिंग का फॉन्ट साइज आपने उतना रखना है, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, बाकी उसमें से कुछ पूछना तो नहीं है? नहीं बाकी ठीक है, बाकी समझ आ गई। चलें जी, शुक्र है और समझ आ गई आपको। और खंसा अंसा, आप लोगों का ग्रुप मुझे ये बताया कि आप लोग कौन से रिपोर्ट के फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं चारों? आप सबका फॉर्मेट सबसे अलग है। अगर आप लोगों ने ऐसे ही काम करना था तो फिर आप मुझे पहले बता देते, मैं आपको कोई भी फॉर्मेट ना प्रोवाइड करती, जो आपका दिल चाहता आप कर लेते। अगर इस तरह की रिपोर्ट आपने मुझे सबमिट करवाई तो उसके नंबर लेने के लिए फिर आप भूल जाइएगा। बच्चों मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको समझ भी आ रही है? जी मैम। वरदा आपकी रिपोर्ट मैंने चेक करके आपको दे दी थी ना? नो मैम, मेरी आपने कहा था खोल नहीं रही, उसके बाद मैंने आपको सेंड की थी, दोबारा मुझे नहीं जी, आई। मैंने आपको दोबारा मेल की है, आप एक दफा मेल अपनी चेक तो करें। चले मैम, मैं अभी देखती हूँ। जी जी आप देख लें, अगर उसमें से कुछ नहीं समझ आता तो मुझसे अभी पूछ लें। इकरा आपको अपनी रिपोर्ट की समझ आ गई थी? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आयशा? और मैम मैं ठीक, आप कैसी हैं? तो जरा जल्दी आ जाइए, अगर आपको रिपोर्ट में से किसी चीज की समझ नहीं लगी जिनका मैंने दोबारा से चेक किया, चलें वो तो एक दफा करवा देना अपना। पता नहीं अब मैम, सारे मुझे लग रहा है इधर उधर गायब हो गए हैं। रिमशा आपने रिपोर्ट ठीक कर ली थी? रिमशा आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा बच्चों मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ कि आपने अगर रिपोर्ट्स में आप जो भी मैंने आपके मिस्टेक्स निकाली हैं और वही मिस्टेक्स अगर आपने दोबारा की हुई हों तो आप भूल जाइएगा कि आपको कोई नंबर मिलेंगे उसमें। आई समझ सबको? किसी एक को नहीं कह रही अब मैं। और सकीना, कशिश, कशिश ने तो खैर से अपनी रिपोर्ट ही अभी तक सेंड नहीं की ना, पता नहीं वो कौन से फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं और पता नहीं वो कहाँ पे रिपोर्ट्स बना रहे हैं। आप लोगों ने इन चीजों को ना सिर्फ मजाक समझ लिया। मरियम और इकरा, मरियम तो ज्वाइन कर रही है, इकरा नहीं अभी आई। मैम ये जो आपने रिपोर्ट सेंड की है करेक्शन के लिए, मैम इसको भी करेक्ट करके तो साथ अटैच करनी है बच्चों, जब आपको अटैच करना है आपने। ओके मैम। मरियम और इकरा, अगर आपकी रिपोर्ट मुझे कल तक ना मिली तो उसके बाद मैंने आप दोनों की रिपोर्ट चेक नहीं करनी। तो मैम हमने जो बना के आपको सेंड करना चाहते हैं वो कर दे। नहीं बच्चों, अब आप मुझे दोबारा कोई रिपोर्ट सेंड नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ एक ही रिपोर्ट चेक करनी थी, उसमें से मैंने आपकी मिस्टेक्स भी आपको अच्छी तरह से बता दी हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप में क्या काम करते हैं। ठीक है मैम, हमने फाइनल की मैं बात कर रही थी। जी जी, अब मैं फाइनल ही एक दफा चेक करूंगी आपकी, और अगर आपने वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट ना बनाई हुई, जिन्होंने नहीं बनाई उनको कह रही हूँ बार बार, फिर वो भूल जाए नंबर लेना। पता नहीं कौन से फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं आप लोग, पता नहीं किस चीज को देख रहे हैं। वरदा आपको मिल गई है? इंशाल्लाह मैम, मैं खोल रही हूँ। जी जी, उसे ओपन करें, मैं भी देखती हूँ, फिर मैं एक दफा आपको बता भी देती हूँ उसमें से आप क्या मिस्टेक थी या क्या था। इकरा, तारिक और मरियम, मैं आपसे बात कर रही हूँ।
जी जी मैम, इंशाल्लाह कल को हम आपको सेंड कर देंगे। जी मेहरबानी है आपकी। बच्चे उसके बाद आपकी क्लास किसके मैम साथ है? जो आपने मुझे मैम मेरी रिपोर्ट में आपने बस ये टाइटल पेज पे लिखा हुआ, टाइटल पेज इज नॉट अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मेट, करेक्ट? और मैम आगे मैम नेक्स्ट वो मैम लेकिन दो चीजें मिस थी, वो मैम मुझे ना समझ नहीं आ रही थी, चलिए वो कोई बात नहीं वो है, मैं आपको फॉर्मूला दिखा देती हूँ एक दफा जी, जी वरना मैम। ठीक है। आपने टाइटल पेज जो आपको दिया गया है, आपने टाइटल पेज उसके अकॉर्डिंग करना है, इसकी तो आपको समझ आ गई है, ठीक है ना? अब यहाँ पे आगे जी देख मैम लीजिएगा ऐसे आप, कर दूंगी। आमना कहाँ पे? अभी वो मुझसे पूछ रही थी और अब वो खुद आई नहीं है। बाकी आपको सारा समझ आ रहा है ना जो बाकी आपने किया हुआ है, इसमें से आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। जी मैम इसमें मैंने कुछ लिखा भी है, मुझे तो खुद नहीं नजर आ रहा अब लिखा हुआ, समझ कहाँ से मैम लेके आ जी रही मुझे खुद नहीं मिला मैम, वो मुझे ना 4 पीस की समझ नहीं आ रही थी है। अच्छा बच्चों, 4 पीस की मैम, तो समझ फिर नहीं वो आ रही, मैंने ऐड नहीं किया था। तो जी प्लीज आप उसे ऐड जी कर मैम दीजिएगा 4 पीस की। चले मैं आपको दोबारा से 4 पीस बता देती हूँ कि 4 पीस एक्चुअली बेसिकली होते क्या हैं। 4 पीस में हम लोग 4 पीस को देखते हैं, कौन कौन से 4 पीस होते हैं जरा मुझे कोई बताना पसंद फरमाएगा आप में से? BS 8 मैम एक मिनट मैम बता देती हूँ। जी जी बताइए बताइए। लिखे हुए हैं उधर से देख के बताती जल्दी बताएं मैम, बच्चों। फोर मैम प्रेसिपिटेटिंग होते हैं, प्री डिस्पोजिंग होते हैं, प्रेसिपिटेटिंग, जी दूसरा परपिचुएटिंग और तीसरा प्रोडक्टिव होता है लास्ट। अब इन सब में क्या डिफरेंस होता है, वन बाय वन जरा बताएं। मैम प्री डिस्पोजिंग होता है जिस प्रॉब्लम के साथ बंदा आया है ना, वो प्रॉब्लम उसकी कॉजेज लिखनी होती हैं, और जो प्रेसिपिटेटिंग होता है उसमें लिखते हैं किन चीजों ने प्रॉब्लम को बढ़ा दिया था, और ये जो जी। परपिचुएटिंग होता है इसमें होता है उन फैक्टर्स को कोप करने के लिए क्लाइंट ने कोई स्ट्रेटेजी यूज की थी या नहीं की थी, वो लिखना है। और प्रोडक्टिव होता है क्लाइंट कौन से जो है डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है। हाँ जी वरदा समझ आ गई है, चलें एक दफा मैं भी बता देती हूँ जी वरदा। मैम एक्चुअली हम लोग 4 पीस में 4 पीस देख रहे होते हैं। अब वो हमारे कौन कौन से 4 पीस होते हैं? फर्स्ट वन होता है हमारा ऑब्वियसली प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी कि वो जो भी आपकी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम के अराइज होने से पहले सब कुछ, यानी कि वो प्रॉब्लम जब अराइज हो रही थी, आप ये कह लें कि वो भी बन रही थी, उसकी जी जो बेसिक रूट्स क्या थी, ठीक है? और उसके बाद होता है हमारा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स एक्चुअली वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आप कह लें कि उस प्रॉब्लम को जिन्होंने अब और ज्यादा, आप ये कह लें कि उसकी इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। जो जो प्री डिस्पोजिंग थे उन्होंने भी इंक्रीज नहीं था कि, आप ये कह लें कि अभी उन्होंने बिल्ड करना स्टार्ट किया था प्रॉब्लम को। और प्रेसिपिटेटिंग में क्या होता है कि जो आहिस्ता आहिस्ता उसको एक हाई लेवल की तरफ लेकर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, किसी कोई स्ट्रेस है अपने मार्क्स कम आने की वजह से, अब एक टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं वो चले उसके लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर हो गया। अब उसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर ये हो सकता है जी कि जो मैम बाकी उसके जो घर वाले हैं वो उसे डांट रहे हैं, या एक उसने दूसरा टेस्ट दिया या एक और टेस्ट दिया उसमें भी कम मार्क्स आ गए हैं, तो ये कुछ थे कि जिसकी वजह से उसको ज्यादा होने लग गया। फिर हो जाते हैं, फिर हमारे परपेचुएटिंग फैक्टर है। परपेचुएटिंग फैक्टर एक्चुअली वो फैक्टर होते हैं जो कि हमारी, आप ये कह लें कि जो हमारी जो भी हम लोग कर रहे होते हैं या जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है, वो फैक्टर्स होते हैं जो कि उस प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं आपको उस प्रॉब्लम को खत्म नहीं करने दे रहे होते, बल्कि वो प्रॉब्लम को आपको और ज्यादा बढ़ाने की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। फिर होते हैं प्रोटेक्टिव फैक्टर। प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हमारी एक्चुअली कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम यूज करते हैं उस प्रॉब्लम को कोप करने के लिए। और अब हमने देखना होता है कि जो पर्सन है या आपके पास जो भी आपका क्लाइंट आ रहा है, वो कौन कौन से परपेचुएटिंग, प्रेसिपिटेटिंग या डिफरेंट फैक्टर्स को यूज कर रहा है और किस किस तरह से कर रहा है, ठीक है? ओके मैम ठीक है, इसको बनाना है आपने, ठीक है? आपका सिर्फ एक ही मिस्टेक थी कि आपने वो डायग्राम ऐड नहीं थी की अंदर शायद, और उसके बाद आपकी एक मिस्टेक थी आपके टाइटल पेज की, ठीक है ना? यस मैम मैं ठीक करती हूँ। आमना आपने अपना आपने अपनी रिपोर्ट खोली हुई है, ओपन की हुई है लैपटॉप में? अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम नहीं, मेरी लाइट अभी आई है, लैपटॉप खोलते हुए टाइम लगेगा, तब तक क्लास खत्म हो जाएगी। नहीं कोई बात नहीं है, मैं आपके 5-10 मिनट ले लूंगी। क्लास किसके साथ है आपकी इसके बाद?
उसके बाद मैम हीरा मेरे के हाथ साथ में, मैम हीरा के साथ है, उसके बाद पर दूसरी है। इंटीरियर। चले मैं मैम हीरा से बात कर लेती हूँ कि 10 मिनट दे दें सिर्फ क्लास के, तब तक आप ओपन चले कीजिए ठीक, जरा अपना लैपटॉप ताकि मैं आपकी जो छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं वो तो आज बताऊँ ना। ओके ठीक है। और बच्चों आपको इसमें से कोई चीज जो ना समझ आई हो? मैम आपने मेरी रिपोर्ट पे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मैंने अभी फाइल ओपन करके देखा है। आपकी रिपोर्ट ठीक थी ना? आपको पता मैंने आपकी रिपोर्ट पे जो कमेंट्स दिए थे वो पढ़ लिए थे आपने? जी जी मैम वो तो मैंने पढ़ लिए थे, मतलब जी, बस जैसे वही ये थे। वर्दा की रिपोर्ट पे आपने लिखा हुआ है वैसे मैंने वर्दा भी की नहीं रिपोर्ट्स लिखा। एक्चुअली वर्ड फॉर्म में थी, आपकी रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्म में थी, मैं पीडीएफ के ऊपर कैसे लिखती? ओ सही है इसीलिए मैम, फिर मैंने वो सारी मिस्टेक्स देख के आपको इकट्ठा एक ही दफा बता दिया था मैसेज करके। जी ठीक है। और मैम आज हमारी प्रेजेंटेशन थी, अब कब होगी? चले कोई बात नहीं, मैं कल ले लूंगी आपकी भी और इकरा लोगों की भी, ठीक है इंशाल्लाह ताला। बच्चों बस ये लाइट के इशू की वजह से ऐसे मसले मसाइल होते हैं। और मैम आपकी हमारी भी थी फ्राइडे को वाली की, हमारी तो फ्राइडे को है ना, तो फ्राइडे तो अभी कल फ्राइडे नहीं है। तो नहीं मैम, जिनकी आज थी फिर उनकी तो कल होगी ना, कल की क्लास नहीं है बच्चों फ्राइडे कल को। दोनों की हो जाएगी, कल हम दो क्लासेस ले लेंगे, आप फिक्र ना करें। ठीक हो गया। चलें जल्दी जल्दी आमना खोल ले अपना लैपटॉप। यस मैम, बस हो गया ओपन। और बच्चों आपको पता चल गया होगा कि आपके जो पेपर्स में तीन थेरेपीज हैं, एक फैमिली थेरेपी है, REBT है और CBT है। मैम आपने ये जो तीनों थेरेपीज करवाई हैं इसमें कुछ मिस तो नहीं ना करवाया आपने? कुछ इनमें से क्या नहीं करवाया? नहीं कुछ स्किप तो नहीं ना करवाया था नहीं आपने? स्किप कुछ नहीं करवाया बच्चों। मैम कुछ मैम न्यूज़ में आया था रात को कि 15 से खुल रही है यूनिवर्सिटीज, क्या आया था न्यूज़ में? 15 अगस्त से यूनिवर्सिटीज खुल रही है, रात को न्यूज़ में बता रहे थे। बच्चों कुछ पता नहीं है अभी तो, आपको पता है न्यूज़ तो रातों रात चेंज भी हो जाती हैं। ये तो है। अभी कोई पता नहीं है कि कब होती हैं ओपन, नहीं तो मैम होती हैं। नो न्यूज में जो आए मैम, ये जो सारी आई है ना अपडेट, से कह रहे हैं गलत है। जो एक फाइनल अपडेट आई हुई है 15 सितंबर वाली, जी, वो तो अभी फाइनल तक है सारी। अभी। हाँ जी चलें बच्चों जो भी होगा अच्छा ही होगा। जी बच्चों मैंने मैम हीरा से बात कर ली, अब आप भी जरा जल्दी जल्दी आ जाइए। मैम, बस थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा टाइम है बहुत। हाँ जी हाँ जी, खोल लें खोल लें, और स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा ठीक है, फिर मैं आपको वहां से बता दूंगी कैसे करना है। बच्चों आप लोगों की भी आज लाइट बहुत जा रही है। मैम इससे ही लाइट बहुत ऑफ हो रही है। मैम तो अब तो लाइट मेन तो आ टाइम रही चलता है, है, 10 बजे मैम आज तक भी लाइट चलता है देख दुनिया रही में। है, लाइट तो आ ही रही है। मैम लैपटॉप पे जूम ही नहीं ओपन हो रहा, कब से मैं इसको ओपन कर रही हूँ। बच्चों जल्दी कर लें। अच्छा चले मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ आपने टाइम न्यू रोमन्स कैसे लिखना है, आपका क्या मिस्टेक थी आमना बताइए जरा। मैम मुझे फिलहाल मैम ये जो लाइन स्पेसिंग 1.5 है ना उसका बता दे, वो नहीं मेरे से हो रहा, और जो आप टाइम करें रोमन है ना वो भी। ठीक है, आपने वो अपनी रिपोर्ट ओपन की हुई है?
जी कंट्रोल ए करें रिपोर्ट के, और रिपोर्ट को ओपन करके वहां पे कहीं पे कर्सर ले जाके कंट्रोल ए कर दें, बेशक फर्स्ट पेज पे जाके कर दो, उस सारे को सिलेक्ट नहीं करना, कंट्रोल ए कर दो ना, कंट्रोल ए का मतलब होता है सारा सिलेक्ट हो गया। ओके मैम, ठीक है हो गया, हाँ जी कंट्रोल ए हो गया। अब आप ऊपर देखो वहां पे नजर, जहां पे हम फोन एक लाइन स्पेसिंग का ये पेज आ रहा होता है, वहां पे लाइन स्पेसिंग नजर आ रही है? मैम वन सेकंड, एक मिनट में यहाँ पे अपना खोलती हूँ, वहां से आपको दिखाती हूँ। जी आमना आपने कंट्रोल ए कर लिया था? यस मैम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह की है, जहाँ पे मेरा कर्सर है इस तरह का नजर आ रहा है ये वाला? जी ठीक है, यहाँ पे जब आप क्लिक करें आपको लाइन स्पेसिंग नजर आने लग जाएंगी। क्लिक किया, यस मैम, अब आ रही है 1.5, हाँ जी 1.5 पे क्लिक कर दो। ओके मैम वन सेकेंड, अब ये सारी 1.5 हो गई है। ठीक है जी ठीक है, अब इस साइड पे जाएं जहाँ पे मैं कर्सर लेकर गई हूँ, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आप क्लिक करो। मेरे ओपन नहीं होगा क्योंकि मेरे यहाँ पे जो मेरा वर्ड है ना वो इस लैपटॉप में ओपन नहीं हो रहा, अभी उसकी विंडो करवानी है। यहाँ पे जब आप करोगे तो यहाँ पे फाइल्स में नीचे डिफरेंट स्टाइल्स के नेम आना स्टार्ट हो जाएंगे। जी आते हैं वो, आ गए है ना? अच्छा चले, आपको वहां से टाइमली रोमन्स अगर ढूंढना मुश्किल है तो आप यहाँ पे कर्सर ले जाके डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे टी लिखोगे तो टाइम्स न्यू रोमन आ जाएगा इस, यहाँ पे जाके ठीक है, आ यस गया मैम जी, टाइम्स न्यू रोमन आ गया, हाँ जी आ गया, आ गया। अब ठीक है उसको ओके करो, और उसके बाद यहाँ पे आगे यहाँ पे जब मैंने किया फॉन्ट साइज, यहाँ पे 12 कर दो। हाँ जी सब सारा 12 नहीं करना, ठीक है, आपको पता है ना कौन कौन सी हेडिंग 12 की है और कौन कौन सी हाँ जी 14 की है? जी चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया तो ये आपके अब सेट हो गया। और उसके बाद अगर आपने अपना पेज नंबरिंग लिखनी है तो बच्चों फिर आप जाएंगे इंसर्ट पे, ये ऊपर नजर आ रहा है ना इंसर्ट, हाँ जी इस पे क्लिक करो। कर दिया ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो पेज नंबर नजर आ रहा है जहाँ पे जी, मेरा कर्सर है, अब इस पे क्लिक करो तो वो डिफरेंट आपको दे रहा होगा, टॉप ऑफ द पेज या फिर आपने नीचे लिखना है, डिफरेंट आपको ऑप्शन दे रहा है ना, जी वहां पे टॉप ऑफ द पेज वाला ऑप्शन आ रहा है। और अब ये भी चेक करेंगे आपका, अगर जूम ओपन हो गया तो बेशक आप अपना खोल लो। मैम मेरा अपना खुल गया, जी मेरा अपना खुल गया, मैंने कहा 1.5 ओपन हो गया, भी हो गया मैम जी, चलें ठीक है फिर आप अपना जरा शेयर उसपे ही करिए, जा आप रही अपनी हूँ शेयर करें, मैं आपको आपको बताती हूँ वहां से। मैम। हमने स्पेस जो है वो 1.5 की रखनी है, जी जी बच्चों आपने स्पेस 1.5 देनी है। ओके जी आमना आप शेयर करें, ओके मैम, बस 2 मिनट, बच्चों स्पेस आपने 1.5 देनी है, मैं आपको सारा एक दफा दोबारा बता देती हूँ, आप सब लोग भी देख लीजिए, मैंने बार बार आपके किसी को नहीं बताना। हमने क्या हो गया मैम लिंक से ओपन कर रही हूँ, जल्दी लिंक से जल्दी ओपन में करना, कोई मैं काम वैसे ही नहीं ओपन हो करती हूँ। रहा मैम, वो स्क्रीन शेयर करूंगी जब यहाँ से अच्छा चलें ठीक है जल्दी जूम करें। पे। अच्छा बच्चों लाइन स्पेसिंग आपने 1.5 देनी है, फॉन्ट साइज आपका 12 होगा, लेकिन जो हेडिंग्स का फॉन्ट साइज है वो डिफरेंट का डिफरेंट है, जब आप मेन हेडिंग देंगे तो वो 14 की होगी, अगर उस मेन हेडिंग के अंदर उससे रिलेटेड डिफरेंट हेडिंग्स आ रही हैं यानी कि सब हेडिंग्स आ रही हैं तो वो 12 की होंगी, लेकिन अगर उन सब हेडिंग्स के अंडर फिर अलग से और सब हेडिंग्स आ रही हैं तो वो भी 12 की होंगी लेकिन वो इटैलिसाइज होंगी। अब आप फॉर एग्जांपल जैसे आप हेडिंग देते हैं पर्सनल बायोडाटा, पर्सनल बायोडाटा की जो हेडिंग है सब लोग अच्छी तरह सुन लो बच्चों, पर्सनल बायोडाटा की हेडिंग का जो फॉन्ट साइज है वो 14 होगा ठीक है, और उसके अंडर जो आप लिख रहे हैं सारा कुछ वो 12 का होगा,
फिर उसके बाद आपकी है आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन का फॉन्ट साइज भी आपका 14 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है बच्चों नेक्स्ट आपका आई थिंक रीजन ऑफ रेफरल और सोर्स ऑफ रेफरल, इन दोनों का भी 14 का होगा, 14 की हेडिंग भी 14 की होगी, लिखते जाए साथ साथ बच्चों, ठीक है। बी एस एट एक मिनट, और उसके बाद बच्चों जो आपकी आ रही है प्रेजेंटिंग कंप्लेंस, प्रेजेंटिंग कंप्लेंस की हेडिंग है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंस की हेडिंग जो है वो 14 की होगी, लेकिन प्रेजेंटिंग कंप्लेंस के बाद जब आप लिखेंगे ना अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट एंड अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेंट, तो वो दोनों हेडिंग्स होंगी 12 की, ठीक है। उसके बाद है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन की हेडिंग का जो फॉन्ट साइज है वो भी 14 होगा। उसके बाद है बच्चों आपकी पर्सनल बायोडाटा या पर्सनल हिस्ट्री जो है, पर्सनल हिस्ट्री वाली जो हेडिंग होगी वो 14 की होगी, लेकिन उसके बाद जो आपकी सोशल हिस्ट्री है, एजुकेशनल हिस्ट्री है, बर्थ हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी कि उसके अंदर जितनी भी हिस्ट्रीज आ रही हैं, हम लोग सब हिस्ट्रीज लिख रहे हैं, उन सब की हेडिंग जो है वो 12 होगी, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है। अब इस तरह की कोई मिस्टेक मुझे दोबारा ना नजर आए, यस मैम, ठीक है। और उसके बाद क्या था, आई थिंक साइकोलॉजिकल असेसमेंट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जो हेडिंग है वो 14 की होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप पॉइंट देंगे कि आपने क्या क्या साइकोलॉजिकल असेसमेंट करनी है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद आप रिजल्ट की हेडिंग भी 14 की देंगे, रिजल्ट के बाद आप इंटरव्यू की हेडिंग भी 14 की देंगे, फिर MMSC की हेडिंग भी 14 की देंगे, MMSC की हेडिंग भी 14 की देने के बाद आप बच्चों फॉर एग्जांपल अब आपके टेस्ट आ जाएंगे जैसे BDI है, BA है, SPM है, तो उनकी हेडिंग्स भी आप 14 की देंगे, लेकिन उनके नीचे जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस वाली हेडिंग देंगे तो वो आप 12 की देंगे, ठीक है। BS 8 जी मैम लास्ट रिपीट कीजिएगा, MMES के MMSC के बाद फॉर एग्जांपल अब आपके टेस्ट आ गए हैं जैसे BDI है, BAI है, SPM है, जो टेस्ट का नेम लिखेंगे आप, टेस्ट का नेम जब आप लिखेंगे तो वो हेडिंग आपकी 14 की होगी, और टेस्ट का नेम लिखने के बाद आप लिखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस तो वो हेडिंग आपकी 12 की होगी, फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस की हेडिंग भी 12 की होगी, सही है। यस मैम आगे समझ, मैम स्क्रीन शो हो रही है, जी स्क्रीन शो हो रही है, आप रिपोर्ट भी ओपन करें, मैम रिपोर्ट ओपन की हुई है मैंने, लेकिन हमें तो रिपोर्ट नजर ही नहीं आ रही, मैम वन सेकंड, आपने कोई और स्क्रीन तो नहीं शेयर कर दी, ये रिपोर्ट 1-4 जो भी आपकी रिपोर्ट है उस पे क्लिक करें ना, मैम उस पे की है, दोबारा क्लिक करें, हमें अभी कुछ नहीं शो हुआ, उसके बाद बच्चों फिर आप ये रिजल्ट में यानी कि वन बाय वन आपने सब टेस्ट की हेड सब टेस्ट को कर लिया और वो चेक कर लिया, उसके बाद फिर आप करेंगे उसके बाद जब आप वो चेक कर लेंगे या वो देख लेंगे तो उसके बाद हमारी कौन सी हेडिंग थी, आई थिंक केस फॉर्मुलेशन है, फिर केस फॉर्मुलेशन की हेडिंग भी आपकी 14 की होगी, फिर उसके बाद आप रिकमेंडेशन की हेडिंग भी 14 की देंगे, और सेशन की है मतलब हर सेशन की सेशन समरी ऊपर लिखेंगे, अगर आप सेशन समरी लिख रहे हैं तो उसकी हेडिंग 14 की होगी, फिर उसके बाद वन बाय वन जो आप सेशन 1 सेशन 2 सेशन 3 लिख रहे हैं तो उनकी हेडिंग 12 की होगी, और कंक्लूजन की हेडिंग भी 14 की होगी, ठीक है। आमना आपकी रिपोर्ट ओपन हुई, हमें नहीं नजर आई, कर दी है ओपन, होगी तो आपको भी नजर आएगी, मैम मुझे नजर आ रही है लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं आ रही, मुझे ये समझ नहीं, बच्चों आप सबको आ रही है नजर, मैम हमने NK नहीं लगाई है, ऐसा करें आप इसको बंद करें, आप डायरेक्ट रिपोर्ट ओपन करके उसके बाद स्क्रीन शेयर करें, अच्छा बच्चों मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, अगर आपको मैम ये तो सेटिंग वाला है, ये हो जाएगा आमना की अगर सेटिंग, अच्छा चलें आप लोगों को और कुछ समझ है, अच्छा ये देखें आप आपके सामने रिपोर्ट है ना, कंट्रोल ए करें आमना, कंट्रोल ए करो प्रेस, मैम कर रही हूँ नहीं हो रहा, क्या हो गया बच्चों,
क्यों नहीं हो रहा है? मैं कर चुकी हूँ इसको मैम, पहले कर चुकी है ना आज सारी। अब बच्चों ठीक है आपने कर दिया ना, मैं एक दफा सबको बताने के लिए कह रही हूँ। हाँ कंट्रोल ए हो गया, अब आपने टाइम्स न्यू रोमन पे भी कर लिया है। उसके बाद यहाँ से जाके हाँ जी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करें ना, यहाँ पे अब आप क्लिक करेंगे तो आपको 1.5 आपने कर देनी है। ठीक है हो गई है। उसके बाद आपने पेज नंबर लिख देनी है, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे यस मैम, इंसर्ट पे गए हैं, यहाँ पे पेज नंबर आ रहे होंगे, पेज नंबर पे लेके जाएं। जी जी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पे क्लिक करें, डिफरेंट दे रहे हैं, हमने टॉप ऑफ द पेज देना है, टॉप ऑफ द पेज के भी वो आपको डिफरेंट ऑप्शन देगा कि आपने किस पेज किस के अकॉर्डिंग करने है। तो हम लोगों ने इसके थर्ड वाले के अकॉर्डिंग करने, आपने इस पे क्लिक कर देना। ठीक है चलें जी ये हो गया। अब बाद में यहाँ पे क्लोज हेडर एंड फुटर पे जाके क्लिक कर दिया। उसके बाद बच्चों हमने ये साइड वाले जो मार्जिन है उन्हें सेट करना है। तो मार्जिन सेट करने के लिए आप दोबारा से जाएंगे पेज लेआउट पे, ऊपर पेज लेआउट लिखा नजर आ रहा है ना इंसर्ट के साथ, यहाँ पे जाएं फिर मार्जिन पे जाएं, मार्जिन जो लिखा आ रहा है ओरिएंटेशन इधर आमना जी जी क्लिक करें। अब हमारा मार्जिन जो है, अब यहाँ पे कोई भी मार्जिन जो है वो सेट नहीं है, तो आप कस्टम मार्जिन पे जाएं, नीचे ज्वाइंट पे लिखा नजर आ रहा है कस्टम मार्जिन, इससे भी नीचे, इससे नीचे जी जी इस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे हम सेट करेंगे टॉप ऑफ दी, जो टॉप वाला है हमारा वन ही रहेगा, लेफ्ट वाले को आप करें 1.5, लेफ्ट वाले को जी इसको करें 1.5। बच्चों आप देख लें yes, अब इसको ओके कर दें, बाकी आपके 1-1 ही है वो ठीक है, ये 1 है, बॉटम भी 1 है, राइट भी 1 है, अभी आपका सेट हो गया। अब जरा आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आओ इसको, अब मैं साथ साथ बता भी दूं, बल्कि ऊपर ही ले जाएं जरा। अब ये देखें यहाँ पे कंक्लूजन की हेडिंग आमना आपकी 14 की होनी चाहिए, आगे 14 लिख लो ताकि आपको याद रह जाए कि आपने इसकी हेडिंग कितने की देनी है। 14 लिख लेना इसके आगे, आगे 14 क्लिक कर देंगे इसको, 14 का कार ही दें। ठीक है सेशन 3 बाकी वो 12 की है। ठीक है yes, ma'am. अब समझ आ गई है कि कैसे सेट करना है? Yes, ma'am. अब यहाँ पे तो कोई चीज पूछने वाली नहीं है ना आपको, अब एक दफा ऊपर करो ताकि मैं रिपोर्ट साथ साथ चेक भी कर लो। रेकमेंडेशन की हेडिंग जो है वो भी 14 की है। यस मैम वो मैं बाद में कर दूंगी, बाकी जो मैंने आपकी मिस्टेक निकाली थी जैसे ये रेड में लिखा हुआ था इसको बाद में आपने कट कर देना है। ठीक है जब आपने मुझे रिपोर्ट देनी है कि मैंने सेटिंग नहीं की थी इस वजह से इसको कट नहीं किया था, आप इसको कट कर लीजिएगा, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। ठीक है बच्चों यहाँ तक आपने कोई भी चीज जो पूछनी हो, आई थिंक अब रिपोर्ट की चीजें तो आपको सब आती ही है। रीजन ऑफ प्रेफरल आमना, रीजन ऑफ प्रेफरल में आपने लिखना है कि वो पर्सन आपके पास क्यों आया, जो आपने सोर्स ऑफ प्रेफरल में लिखा हुआ है सारा कुछ। यस मैम इसको ऊपर लिखना है, सोर्स ऑफ रेफरल का मतलब है वो आपके पास खुद आया था या आप खुद उसके पास नहीं थे, आपने उसको कैसे अप्रोच किया था, जो लास्ट लाइन है ना वो सोर्स ऑफ रेफरल की है, बाकी सब ये रीजन ऑफ रेफरल में ले जाए। और रीजन ऑफ रेफरल की जो हेडिंग है बच्चों वो भी आपकी 14 की होगी। Yes, ma'am, next. According to... बाकी आप सारी हेडिंग्स आई थिंक पता ही है अब। Yes, ma'am. ठीक है बच्चों यहाँ तक तो आपको सब कुछ समझ आ गया है, बाकी अगर किसी बाकी सबकी भी मैंने रिपोर्ट चेक कर ली थी, देख लीजिएगा आप सब लोग उन चीजों को। चलें ठीक है अब आपकी मैम भी क्लास लेने के लिए बैठी है। ठीक है आमना आप हटा दें बेशक अपनी स्क्रीन। आमना एक मिनट, इंटरव्यू से पहले आपने ये बुलेट क्यों दिया हुआ है जब यहाँ पे आप इंटरव्यू बता रही है, ऊपर इंटरव्यू की जो हेडिंग दी है, हाँ जी ये बुलेट इसको खत्म करें और ये इसको साइड इसको पीछे लेके आइए ना, बैक स्पेस कीजिए, और इसकी जो इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू को नीचे लेके आए, अब इधर करें, अब इंटरव्यू को और जरा एंटर कर दें इसको, इससे ऊपर लिखे रिजल्ट, इसको रिजल्ट कर दें ना, इसको एंटर करें, एंटर करेंगे ऊपर लिखे रिजल्ट, बैक स्पेस करें रिजल्ट्स, एस भी लिखे मैम, जल्दी जल्दी में मेरे से कुछ नहीं हो रहा, रिजल्ट्स लिखे यहाँ पे। अब रिजल्ट्स की जो हेडिंग है इसको भी आपने 14 का करना है, ठीक है, और बोल्ड करना है, और इंटरव्यू की हेडिंग को भी 14 का और बोल्ड करना है। और बच्चों एक बात और, जब जो कंप्लीट नेम होता है ना किसी भी टेस्ट का वो पहले लिखते हैं और उसकी एब्रीविएशन ब्रैकेट्स के अंदर बाद में देते हैं। ठीक है आप ना नीचे ले आइए, MMSC की हेडिंग भी आप 14 की करेंगे, ये जो MMSC लिखा हुआ है आपने इसको ओवरऑल सारे
जी जी इसको भी 14 कर दें। मैम हीरा ने वो लिंक भेज दिया है तो जी जी बच्चों मैं करने लगी हूँ ये जो हाँ जी इसको भी 14 करेंगे जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस है इसको 12 करेंगे। यस मैम ये 12 भी है। चलें बस ठीक है आपको समझ आ गया होगा बच्चे आप ये कर दें जरा बंद और बाकी अगर कुछ ना समझ आया तो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे मैम वेट करेंगे शायद। ओके मैम थैंक यू सो मच। ठीक है यस जरा इसको अपनी स्क्रीन को खत्म करें आमना एक मिनट बच्चों। ओके बच्चों अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कुछ ना समझ आया तो हम कल डिस्कस कर लेंगे ठीक है। अल्लाह हाफिज़।